कुछ रिश्ते गीली लकड़ी की तरह होते हैं, जो न ही जलते हैं और न ही बुझते हैं, बस धुआं करते रहते हैं, जो आंखों में सिर्फ आंसू भरते रहते हैं। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आज़ाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता है। गलत फहमी का एहसास तो तब हुआ जब हमने कहा रुको मत जाओ, और वो समझे रुको मत जाओ। अपने शब्दों के उपयोग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि लाठी या हथियार से केवल हड्डियाँ टूटती है, परंतु शब्दों के प्रहार से अक्सर रिश्ते टूटते हैं। इस दौड़ के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। यह मोहब्बत के हादसे अक्सर दिलों को तोड़ देते हैं। तुम मंजिल की बात करते हो, यहाँ लोग रास्ते में ही छोड़ देते हैं। अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वो किसी के दिल में आस बनकर, कास बनकर या फिर मिलने का विश्वास बनकर हमेशा मौजूद रहते हैं। वक्त अच्छा हो या बुरा हो, आखिर में गुजर ही जाते हैं, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो, वो दौर और था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा ही हो, आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। जूते और लोग जब आपको तकलीफ देने लगे तो समझ जाइए कि वो आपके नाप के नहीं है। क्या फायदा उस मोहब्बत का जो आपको खुशी देने के बजाय रोज रुलाती हो। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिस तरह आजकल लोगों की बातों में प्यार होता है, काश उनके दिल में भी सच में उतना ही प्यार होता। इंसान बुरा तब बनता है जब उसके चाहने वाले ही उसका नाजायज फायदा उठाने लगते हैं। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। मुझे ही क्यों ख्याल आता है कि किसी को बुरा लग जाएगा, किसी को ये ख्याल क्यों नहीं आता कि मुझे भी बुरा लग सकता है। जब तुम्हें लगे तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखो, वहाँ वो है जो हमेशा तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। सुख के लम्हे तक पहुँचते पहुँचते हम उन लोगों से जुदा हो जाते हैं जिनके साथ दुख झेलकर हमने सुख का स्वप्न देखा होता है। रिश्ते बहुत देखे, रिश्ते बहुत निभाए, बांधना चाहा अपनी इस दुनिया को एक डोर में, काटने को पहले अपने लोग ही आगे आए। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर, बस यही बोलकर लोग धोखा दे जाते हैं। अपनों में, रिश्तों में और दोस्तों में मजबूत रखना अपनी पीठ को, शाबाशी ना सही, खंजर तो मिलेंगे ही। देर से रिप्लाई देने की वजह से अब रिश्ते टूट जाया करते हैं। सोचो उनका सब्र और विश्वास कितना मजबूत रहा होगा जो चिट्ठियां लिखा करते थे। संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ न दे आपका, फिर सुख में उन संबंधों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जमाने और रिश्तों की भीड़ में जो अकेला खड़ा है, समझ लेना वो दिल में दर्द और जुबा पे सच लगाए खड़ा है। कोशिश करो कि दोगले लोगों से गहरा संबंध न रखो, क्योंकि ये नाराज होते हैं तो सीधा इज्जत पर वार करते हैं। हर किसी को सफाई मत दो, आप इंसान हो, कोई साबुन नहीं। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो, जो अपना हुआ वो समझेगा, जो पढ़ाया हुआ वो छूटेगा। सांप का जहर हमने दो दिन में उतार दिया, पर शब्दों का जहर उतारने में एक जमाना लग गया। कुछ लोगों के लिए आप कभी अच्छे नहीं बन पाओगे, चाहे आप उनके लिए कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो। थोड़ा ध्यान से रिश्ते बनाना, क्योंकि यहाँ दिखावे वाले ज़्यादा हैं और निभाने वाले बहुत ही कम। जंगल कट रहा था, लेकिन सारे पेड़ कुल्हाड़ी को वोट कर रहे थे, क्योंकि पेड़ सोच रहे थे कि कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी उनके समाज की है। अक्सर जिंदगी में सबके पीछे भागने में, सबकी परवाह करने के चक्कर में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। आप थोड़ा भरोसा वक्त पर भी किया करो,
क्योंकि ये अच्छे से अच्छे रिश्ते को एक दिन बेनकाब कर देता है। सबसे अच्छा भी समय है, सबसे बुरा भी समय है, और दोनों में अंतर भी समय का ही है। समय रहते ही खुद को बेहतर बनाए, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे। जब जलना ही है तो लोबान की तरह जलो, खुद तो महकोगे ही जमाने को भी महकाओगे। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद कुछ अच्छा नहीं कर पाते, वो अक्सर दूसरों की बुराई करके खुश होते रहते हैं। कभी कभी अपने वहम में हम वो कह जाते हैं जो नहीं कहा जाना चाहिए, और उनसे कह जाते हैं जिनसे बिल्कुल भी नहीं कहा जाना चाहिए। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी जिंदगी में आत्मसम्मान के लिए भी लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। किसी को कुछ अच्छा न कहे तो भी चलेगा, लेकिन ख्याल इस बात का रखे कि बोलने से पहले शब्दों का चयन सही हो। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे, तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। सुंदर रिश्तों की बस इतनी ही रेसिपी है, दो चम्मच मुस्कुराना और स्वाद अनुसार झुक जाना। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है, किसी को रिश्ते पसंद होते हैं।